बरगढ़ अग्रसेन जयंती समारोह समिति तरफ से आज शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नदी पड़ा अलिख्या मंदिर से निकलकर स्वयं सिद्धा भवन पहुंची थी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शोभा यात्रा में मारवाड़ी समाज के अनेक महिला तथा पुरुष शामिल रहे दिखे। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में ब्राह्मण परिषद तरफ से आइसक्रीम शरबत के साथ शोभा यात्रा को स्वागत किया गया। इनके अलावा अन्य संगठन के लोग भी स्वागत करते दिखे। अंत में आइए देखते हैं जयंती को लेकर किस किस ने क्या क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल, सचिव अग्रसेन जयंती समारोह समिति। आज का कार्यक्रम में सुबह से दुकान सब बंद रही, समाज के सभी बंधुओं का समर्थन मिला और भव्य शोभा यात्रा जो चल रही है अभी ये अलख्या मंदिर से होते हुए स्वयं सिद्धा भवन तक पहुँचेगी। रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम है और समाज के पूरे सभी लोगों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। पूरे समाज का बहुत बहुत सहयोग मिला और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अनिल अग्रवाल, सभी अग्रवाल समाज के लोगों को और पूरे बरगढ़ वासियों को अग्रसेन जयंती और आने वाले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। बरगढ़ ब्राह्मण सांस्कृतिक परिषद परिवार की तरफ से मैं सह सचिव प्रेसिडेंट महोदय इनके सबकी उपस्थिति में महाराजा अग्रसेन जयंती की समारोह के प्रशासन का जुलूस का हम स्वागत कर रहे हैं। विगत कई 10-12 साल से हम अपनी तरफ से परिवार की तरफ से इनका कुछ स्वागत अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं। उसमें बरगढ़ ब्राह्मण परिषद के सब मेम्बरों का बहुत योगदान रहता है। सब बढ़ चढ़ के अपने आप आगे बढ़ के अपना सहयोग देते हैं। हमारी तरफ से तो आइसक्रीम दिए हैं, पानी है, पानी पाउच है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक। सेवा करने के बाद में अनुभव हमारा इतनी खुशी लग रही है हमको कि ये सब एक परिवार जैसा लगा हमको।